हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारा बायनोमियल का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कवर अप करेंगे। तो बच्चे, फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है कि इसके अंदर हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ को, मेन जो हमारा ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, जब मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरह के प्रोबेबिलिटी, जब मैंने इसकी थ्योरी करवाई थी तो उसमें आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड वन इज़ थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे, जो हमारा थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके अंदर ही हम बायनोमियल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और इनका मेन जो काम होता है, जो यूसेज होता है, वो यही होता है कि किस तरीके से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया जा सके। वी ऑल नो दैट कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और सबकी रीडिंग्स को कैलकुलेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, कॉस्ट भी यूज़ होती है, टाइम भी कंज्यूम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट का निकाल के, एक इवेंट का निकाल के, तो जितने नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो जिससे हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं और उनके बेसिस पर जो भी हमारा फर्दर जो काम होता है उनको हम कर सकते हैं। तो फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम किस मेनली हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे, जब भी हमने फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि टू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी हमें गिवन इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले तो पी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की और उसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू नोट द वैल्यू ऑफ एन एंड स्मॉल एन एंड बिग एन। बच्चे, यहाँ पर स्मॉल एन और बिग एन में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। सपोज मेरे पास चार कॉइन्स थे, देर आर फोर कॉइन्स विद मी। मैंने चार कॉइन्स को उछाला, तो ये जो चार कॉइन्स को एक बार में उछाला, दैट इज स्मॉल एन, जो ये फोर है। लेकिन मैं ये चार कॉइन्स को ऐसा मैंने कितनी बार किया, ऐसा सपोज मैंने 160 टाइम्स किया कि चार कॉइन्स को मैं बार बार उछाल रही हूँ और उसके बेसिस पर मेरा कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो जो ये मैंने 160 टाइम्स इन कॉइन को उछाला, दैट इज़ दी बिग एन। स्मॉल एन क्या होगा, एक बार के एक्सपेरिमेंट्स की इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ चीज़ वो मैंने कितनी बार करी है, दैट इज़ आवर बिग एन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द नंबर ऑफ सक्सेसेस कमिंग आउट ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट। जो भी हमारे गिवन एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ सक्सेसेस आ रहे हैं, उनको आपने फाइंड आउट करना है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड आफ्टर दैट जो प्रोबेबिलिटी निकली है उसको जो हमारा बिग एन है उससे मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको इसके दो तीन क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग दी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। आप देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द फोर कॉइन्स वर टॉस्ड 160 टाइम्स एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। आपने चार कॉइन्स को 160 बार उछाला, ठीक है, आपके पास चार कॉइन्स थे, आप इनको उछालते जा रहे हैं, जैसे चार कॉइन्स को एक बार में उछाला, लेकिन आपने ये एक बार नहीं किया, ऐसा आपने कितनी बार किया, 160 टाइम। तो बच्चे, यहाँ से स्मॉल एन तो हो गया हमारे पास फोर, और जो बिग एन हो गया वो कितना हो गया, 160। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये नंबर ऑफ़ हेड्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज, कि 17 बार ऐसा हुआ कि कोई भी हेड नहीं आया, 52 टाइम्स ऐसा हुआ कि एक हेड आया, 54 टाइम्स ऐसा हुआ कि दो हेड आए, 31 टाइम्स ऐसा हुआ कि थ्री हेड आए, 6 टाइम्स ऐसा हुआ कि फोर हेड जाए। आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है अंडर द अजम्पशंस दैट कॉइंस आर अनबायस्ड। आप देखिए, कॉइन है और हेड की प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर बच्चे जो पी होगा वो कितना होगा, 1/2 होगा, और जो हमारा क्यू होगा वो भी कितना होगा, 1/2। स्मॉल एन, यू ऑल नो दैट दैट इज़ 4, और जो बिग एन है वो कितना है हमारे पास, 160। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या हैं, गिवन है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करनी है, जो भी हमारे पास हेड्स हैं, जैसे 0 हेड आया, 1 हेड आया, 2 हेड आया, 3 हेड आया, 4 हेड आया टोटल एक्सपेरिमेंट में, तो इनकी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है, दैट इज़ एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, फिर है पी की होल पावर एक्स। आप देखो बच्चे, और उसके बाद जब हर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकलती जाएगी,
जीरो हेड की निकालोगे, वन हेड की निकालोगे, थ्री टू हेड की निकालोगे, थ्री हेड की निकालोगे, फोर हेड जो भी आपको गिवन है निकालोगे। उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करते रहना है, 160 से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती रहेंगी। तो बच्चे एक बार और दोबारा से मैं आपको बता दूं, फिटिंग द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेन चीज़ हमने क्या कंप्यूट करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को। अब देखो यहाँ पर हम जीरो हेड की निकाल रहे हैं, तो हमारा एन कितना है, फोर है, और एक्स कितना है, ज़ीरो है। वन बाय टू क्या होगा, एन माइनस एक्स, जो कि हमारा क्यू की होल पावर फोर आ जाएगा और पी की होल पावर ज़ीरो। फिर इसको आपने जो भी आपका ये सॉल्व करके आएगा इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 160 से। 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 10। मतलब सपोज़ अगर आप एक्चुअल में नहीं करके देखते तो आप इस तरीके से भी एक बार करके देख लिया, वहाँ पर रीडिंग नोट डाउन कर ली, उसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका जो भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसके नियर अबाउट ही आएगी। तो इसी तरह से ज़ीरो हेड की आ गई 10, वन हेड की आ गई 40, टू की आ गई 60, थ्री की आ गई 40 और फोर की आ गई 10, ठीक है। तो ये था, अब देखिए नेक्स्ट जो है, फिट अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर बच्चे देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको डायरेक्टली जो था एन भी गिवन था, आपको बिग एन भी गिवन था, आपको पी भी गिवन था, आपको क्यू भी। अब कई बार क्या होगा कि क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको हिंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे उनके बेसिस पर इनको चारों को वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, स्मॉल एन, बिग एन, पी और क्यू को, क्योंकि इसके बिना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फर्दर कंप्यूटेशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, फिट अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डाटा। आपके पास एक्स भी गिवन है, आपके पास एफ भी गिवन है। आप देखो बच्चे यहाँ पर एक तरह से आपके पास डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, डायरेक्टली कुछ नहीं गिवन। तो हम सबसे पहले तो एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर ध्यान में देंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एफ एक्स निकाला, एफ एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 28 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 62 मल्टीप्लाई बाय 162, 46 मल्टीप्लाई बाय 2 92, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 16। जो आपका सिग्मा एफ होगा दैट इज़ 150, और जो सिग्मा एफ होगा बच्चे वो ही आपका बिग एन के इक्वल होगा, जो बड़े वाला एन था उसके इक्वल होगा। तो ये कितना है आपका 150, और स्मॉल और फिर आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन करके 200 को डिवाइड करेंगे आप 150 से, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 4/3। और ये जो 4/3 आया है आपके पास, ये क्या आया है आपका, एक्स बार आया है। क्या आया है, एक्स बार आया है, ठीक है। आप देखो जो एक्स बार की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एन पी के इक्वल, एन पी के इक्वल होती है ना बच्चे। आप देखो यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो n है, ठीक है, जो n है वो कितना है, 4 है। 4 कैसे बच्चे फाइंड आउट किया, आप देखो x कितना, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल n है, या तो रीडिंग को चेकआउट कर लिया करो, या तो कुछ भी चीज़ है उसकी सबसे पहले तो ज़ीरो रीडिंग आई, फिर वन टाइम का उन्होंने लिया कि एक बार वो कोई चीज़ आई है, फिर वो दो बार कितनी बार वो चीज़ रिपीट करी है, तीन बार कितनी वो कितनी बार रिपीट करी है, और फोर टाइम्स, इसका मतलब फोर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, तो इस वजह से आपका जो स्मॉल एन होगा वो कितना होगा, फोर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स बार का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, एन पी के इक्वल। अब यहाँ पर एक्स बार कितना आया था आपका, 4/3, एंड स्मॉल एन की वैल्यू 4 गिवन है और पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब जो ये वाला 4 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/3 इज़ इक्वल्स टू पी, 4 से 4 कट गया तो पी की वैल्यू बनी 1/3, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पर 1/3 पी की वैल्यू आई, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1/3, दैट विल गिव्स यू 2/3। अब देखो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने 0, 1, 2, 3, 4 की निकालनी है, वही बायनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करके, एन सी एक्स, क्यू एन माइनस एक्स और पी होल पावर एक्स। और 150 से बच्चे सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो आपके पास आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी।
यहाँ पर ये राउंड ऑफ करके ले रहे हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती, कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है तो वो पॉइंट्स में रिपीट नहीं होती, तो इसलिए ये जो नियर अबाउट होल नंबर है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका इलास्ट्रेशन सेकेंड, एंड मैक्सिमम सारे के सारे आपके जो इलास्ट्रेशंस हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। एक बार आप सभी इलास्ट्रेशंस को चेकआउट कीजिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चे आपका जो बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। इन बायनोमियल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, इसकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विद दिस आई विल साइन ऑफ, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।